Hello friends, welcome to LearningSTAN, learn to know and know to learn. Friends, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 2 को देखने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन का पैटर्न TCS के पैटर्न के बिल्कुल सिमिलर मिलेगा. यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, तो इसलिए आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मेरे द्वारा बताए हुए आंसर से मैच कराइए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कहता है कि इन अ प्योर एलसी पैरेलल सर्किट अंडर रेजोनेंस कंडीशन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई मेंस इज व्हाट. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए में कहता है वी अपॉन रूट अंडर एलसी. ऑप्शन बी में गिवन है जीरो. ऑप्शन सी में गिवन है वी इंटू रूट अंडर एलसी. और ऑप्शन डी में गिवन है इनफाइनाइट. तो इसका आंसर होने वाला है जीरो करंट, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए में कहता है कोक. ऑप्शन बी में गिवन है लिग्नाइट. ऑप्शन सी में है बिटुमिनस. और ऑप्शन डी में गिवन है पीट. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिटुमिनस. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. यह कहता है फॉर एन इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट अ स्लिप एस द रेशियो ऑफ ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट टू द एयर गैप पावर इज इक्वल टू व्हाट. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट पी नॉट और एयर गैप पावर पीजी का रेशियो बताना है. तो इसका आंसर होगा 1-S, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4. यह कहता है R1 एंड R4 आर द ऑपोजिट आर्म्स ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज एज आर R2 एंड R3 अंडर बैलेंस कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए में कहता है R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R4. ऑप्शन बी में कहता है R1 इज इक्वल टू R2 इंटू R3 इंटू R4. ऑप्शन सी में कहता है R1 इज इक्वल टू R2 इंटू R4 डिवाइडेड बाय R3. और ऑप्शन डी में कहता है R1 इज इक्वल टू R2 R3 डिवाइडेड बाय R4. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डैम्पर वाइंडिंग्स इन अ ग्रिड कनेक्टेड थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन. यानी कि सिंक्रोनस मशीन के डैम्पर वाइंडिंग से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है वो हमें बताना है. ओके, और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए में कहता है डैम्पर वाइंडिंग हेल्प्स इन स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर. ऑप्शन बी में गिवन है डैम्पर वाइंडिंग हेल्प्स इन डैम्पिंग आउट ऑसिलेशंस इन अ सिंक्रोनस मोटर. ऑप्शन सी में गिवन है डैम्पर वाइंडिंग हेल्प्स इन स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर. और ऑप्शन डी में गिवन है डैम्पर वाइंडिंग हेल्प्स इन डैम्पिंग आउट ऑसिलेशंस इन अ सिंक्रोनस जनरेटर. तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से पहला स्टेटमेंट सही नहीं है. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6. यह कहता है कि द कॉइल स्पैन ऑफ अ वाइंडिंग इन एन अल्टरनेटर इज 150 डिग्री इलेक्ट्रिकल. देन वी हैव टू फाइंड द पिच फैक्टर ऑफ द कॉइल. यहाँ पर अल्टरनेटर के वाइंडिंग का कॉइल स्पैन गिवन है 150 डिग्री इलेक्ट्रिकल. तो क्वेश्चन में हमसे पिच फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, यानी कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ केपी. तो इसके लिए सबसे पहले आप कॉर्डिंग एंगल रो फाइंड आउट करिए. उसके बाद पिच फैक्टर केपी विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ कॉर्डिंग एंगल बाय 2. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.9659, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7. यह कहता है कि अ डीसी शंट मोटर इज रनिंग एट 1000 आरपीएम व्हेन सप्लाइड फ्रॉम अ 240 वोल्ट नेग्लेक्टिंग लॉसेस एंड मैग्नेटिक सैचुरेशन द स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन कनेक्टेड टू 180 वोल्ट डीसी सोर्स. यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहा है कि एक डीसी शंट मोटर को 240 वोल्ट डीसी सप्लाई से जब हम कनेक्ट करते हैं तो यह मोटर रन करता है 1000 आरपीएम पे. और जब हम इस मोटर को 180 वोल्ट डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी. तो आप इसे कैलकुलेट करिए. यहाँ पर एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन में गिवन है
नेग्लेक्टिंग लॉसेस एंड मैग्नेटिक सैचुरेशन। यहाँ पर लॉसेस को नेग्लेक्ट किया है, इसका मतलब है कि आर्मेचर का रेसिस्टेंस हमें जीरो लेना है। ओके, तो आप इसे सॉल्व करिए, आपको आंसर आएगा 1000 RPM, यानी कि इसकी स्पीड चेंज नहीं होने वाली है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यह कहता है कि द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज एज हाई एज विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में गिवन है 80%, ऑप्शन बी में गिवन है 99.6%, ऑप्शन सी में गिवन है 90%, और ऑप्शन डी में गिवन है 85%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 99.6%, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। यह कहता है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिवर्सल गेट्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन ऑप्शंस में से कौन यूनिवर्सल गेट्स हैं वो हमें बताना है। और ऑप्शन ए में गिवन है एंड और नॉट, ऑप्शन बी में गिवन है एंड और, ऑप्शन सी में गिवन है एक्सोर एक्सनॉर, और ऑप्शन डी में गिवन है नॉर नैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर एंड नैंड, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यह कहता है एन एसी सीरीज मोटर कैन रन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में गिवन है एसी सप्लाई, ऑप्शन बी में गिवन है डीसी सप्लाई ओनली, ऑप्शन सी में गिवन है एसी एंड डीसी बोथ, ऑप्शन डी में गिवन है पल्सेटिंग डीसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एसी सीरीज मोटर कैन रन ऑन एसी एंड डीसी बोथ, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। यह कहता है एट विच पावर फैक्टर अ ट्रांसफार्मर हैज नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि किस पावर फैक्टर पे ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव मिल सकता है। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में कहता है यूनिटी पावर फैक्टर, ऑप्शन बी में गिवन है लैगिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन सी में गिवन है जीरो पावर फैक्टर, और ऑप्शन डी में गिवन है लीडिंग पावर फैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लीडिंग पावर फैक्टर। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। यह कहता है टीआईजी वेल्डिंग स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में गिवन है टीआईजी स्टैंड्स फॉर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन बी में गिवन है थर्मली इंडक्टेड गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी में गिवन है टंगस्टन इंसुलेटेड गैस वेल्डिंग, और ऑप्शन डी में गिवन है टेम्परेचर इंसुलेटेड गैस वेल्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। यह कहता है कि अ फ्यूज मटेरियल शुड पजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में कहता है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी में कहता है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ऑप्शन सी में कहता है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ऑप्शन डी में कहता है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो हमें फ्यूज मटेरियल के प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इट मींस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनमें से कौन सा मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में गिवन है टंगस्टन, ऑप्शन बी में गिवन है निकल, ऑप्शन सी में गिवन है कॉपर, और ऑप्शन डी में गिवन है एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा निकल, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। यह कहता है कि लक्स इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में कहता है लुमिनस फ्लक्स, ऑप्शन बी में गिवन है इल्यूमिनेशन, ऑप्शन सी में गिवन है लुमिनस एफिशिएंसी, ऑप्शन डी में गिवन है लुमिनस इंटेंसिटी। तो हमें बताना है कि इन चारों में से किसका यूनिट होता है लक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इल्यूमिनेशन, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। यह कहता है नो सीलिंग फैन should be installed at a height of less than dash meter from the floor।
और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है 3 मीटर, ऑप्शन बी में गिवन है 0.5 मीटर, ऑप्शन सी में गिवन है 1.5 मीटर और ऑप्शन डी में गिवन है 2.5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 2.5 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। यह कहता है कि यूनिट ऑफ रिलेटिव परमियबिलिटी इज विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है यूनिटलेस, ऑप्शन बी में गिवन है हेनरी पर मीटर, ऑप्शन सी में गिवन है फेराड पर मीटर, ऑप्शन डी में गिवन है एम्पियर पर मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिटलेस, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। यह कहता है कि टू क्वाइल्स हैव इंडक्टेंसेस ऑफ 8 मिली हेनरी एंड 18 मिली हेनरी एंड अ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 0.5। इफ द टू क्वाइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एडिंग देन वी हैव टू फाइंड द टोटल इंडक्टेंस। तो इसमें सबसे पहले आप म्यूचुअल इंडक्टेंस M की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, उसके बाद टोटल इंडक्टेंस L इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 38 मिली हेनरी, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। यह कहता है कि द वर्ड इनहांसमेंट मोड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है टनल डायोड, ऑप्शन बी में गिवन है फोटो डायोड, ऑप्शन सी में गिवन है मॉस्फेट, ऑप्शन डी में गिवन है वैरेक्टर डायोड। तो हमें बताना है कि इनहांसमेंट मोड इनमें से किससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा मॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। ये कहता है कि टू इंक्रीज क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ क्वाइल द वायर शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें ऑप्शन ए में गिवन है थिन, ऑप्शन बी में गिवन है थिक, ऑप्शन सी में गिवन है लॉन्ग, ऑप्शन डी में गिवन है लॉन्ग एंड थिन। तो हमें ये बताना है कि किसी क्वाइल के क्वालिटी फैक्टर को इंक्रीज कराने के लिए वायर कैसा होना चाहिए। यहाँ पर क्वाइल गिवन है, इसका मतलब है दिस विल बी RL सर्किट। ओके, तो हमें ये बताना है कि RL सर्किट में क्वालिटी फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह की वायर की जरूरत होगी। तो इसका आंसर होगा थिक वायर, यानी कि वैसा वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो, उसका क्वालिटी फैक्टर भी ज्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।